फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोलियन साथ फ्रीज में। तो अभी सबको सबसे पहले हम लोग मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। हम थोड़ा लेट से जाएंगे क्योंकि अभी 2-4 दिन सोलियन का छुट्टी चल रहा है और वैसे भी आज सैटरडे है। और सोलियन के पापा मतलब आधी रात को ही ड्यूटी चले गए, कंटिन्यू ड्यूटी है, तो वो बस आ ही रहे होंगे 10:30-11 तक में आ जाएंगे। तो अब जा रहे हैं सोलियन, सासुर को नाश्ता देंगे। ये लोग कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह खाया है। ये देखिए सोलियन हमारे पीछे क्या कर रहा है, हमेशा अलमीरा खोलते रहेगा, कुछ से कुछ ढूंढते रहेगा। क्या ढूंढ रहे हो? रिमोट की अलमारी में, मुझे पता है रिमोट कहाँ है। रिमोट रख के भूल जाते हो। नीचे क्या गिरा है तुम्हारे पैर के नीचे? तो रिमोट रख के सोलियन भूल गया है। अब मुझे पता है रिमोट कहाँ है, फ्रिज के ऊपर रखा है, याद है जब दूध लाने गया था तुम तो हम इन दोनों का ब्रेकफास्ट आज क्या देने वाले हैं? सिंपल कुछ नहीं, ये लोग वैसे भी कुछ खाता नहीं है सुबह सुबह, तो कुछ हेल्दी देंगे। तो अभी पपाया का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीजन चल रहा है, तो वही पपीता ही काट रहे हैं, काट के रख दिए। बस ये लोग खाने का इतना झमेला करता है, खाने में खाता ही नहीं है, कितना भी बोलते हैं खा लो खा लो खा लो। देखिए इसको खांसी हो गया, कैसे खांस रहा है। तो यहाँ पे साथ में देखिए क्या कर रहा है, बूढ़ा दादा की तरह खांस रहा है। इतना पानी घिकता है कि पूछिए मत। तो चीकू मेरा नाक में दम करके रखा है, हमेशा पानी घिकते रहता है, किसी भी चीज़ में पानी घिकते रहता है। ये क्यों है ना, इतना पानी क्यों घिकता है? अच्छा, इसलिए तो खांसी हो गया। तो अभी चलते हैं फिर किचन में। किचन में आ गए, पपाया छिल के रखे हुए थे, बस इनके लिए पीस पीस करके देना है, क्योंकि ये लोग ऐसे खाएंगे नहीं। इन लोगों को क्या कहते हैं, हल्का से चाट मसाला या नमक के साथ दिया जाता है, छोटा छोटा बाइट बना के, तब ये दोनों खाते, नहीं तो नहीं खाते। क्या ही बताएं हम इन लोगों का खाने पीने का। पपीता छिल के रखे हुए थे, कब कहे आज तो नहाए भी नहीं है अभी तक, नाश्ता भी देंगे उसके बाद ही नहाएंगे। आज वैसे भी नहाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ पर मौसम नॉर्मल हो रखा है, बाहर बहुत धूप है लेकिन अंदर में बहुत ही नॉर्मल मौसम है, तो फैन भी नहीं चलाते हैं यहाँ, लेकिन बाहर में बहुत गर्म है। नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। पपीता काट लेती हूँ, हमारे प्रॉब्लम बने रहे। फाइनली दोनों भाई को दे दिए नाश्ता में पपीता खाने के लिए, तो जब तक खाएगा आज कोशिश करेंगे सवेरे खाना बनाने के लिए, क्योंकि सोलियन पापा का नाइट ड्यूटी था। देखिए पिक्चर भी अच्छा नहीं है, और ये रात में हमने ये बताए थे गर्म है, गर्म करके इसको बर्तन में रख। तो ये अभी हम सोलियन के रूम में है, ये सोलियन का बेडरूम का खिड़की जहाँ से रोशनी आ रहा है। रात में चांदनी रात था, तो मतलब लाइट आ रहा था चांद का, अभी धूप आ रहा है, तो आज धूप बहुत अच्छा किया है। इससे पहले शाम को बारिश आ जाए, हमको अभी ही जा करके गेहूँ धोना है, तो झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, अभी बस गेहूँ धोना है, इसीलिए लेट हो जाएगा। तो पूजा करने के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है, 12-1 बज जाता है खाने में, तो गेहूँ छत पर डाल के नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद दोपहर में नहाऊँगी, तब तक सोलियन के पापा भी आ जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं फ्रेंड हम गेहूँ धोने के लिए। जैसे कि हम कई वीडियो में बताएं कि हम रहते भले ही सिटी में हैं लेकिन सब चीज़ ऑर्गेनिक खोजते हैं, तो कोशिश करते हैं कि रेडीमेड आटा ना ही खाएं तो बेहतर है, जिसके लिए हम वो कॉर्न जो होता है मक्का वो भी मंगवाए, तो उसका आटा पिसवाने के लिए, कि नाश्ते में हमको मक्का की रोटी बहुत पसंद होता है, और गेहूँ भी धोना है, तो यहाँ पर कोई है नहीं, हम ही को करना पड़ेगा। लगभग 8 से 10 किलो तक गेहूँ धोएंगे, पैकेट फटा हुआ है, तो अभी जा रहे हैं फिलहाल छत पर। तो अभी हम गेहूँ निकालने के लिए आ गए हैं, लेकिन निकाल रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा गेहूँ का दाना है, हम पसीना पसीना हो गए हैं अभी सिर्फ गेहूँ पैकेट खोल करके डालने में। कुछ लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि सर्विस वाले की पत्नी को बहुत आराम मिलता है, उसको कोई काम का, ऐसा नहीं है, इंसान है, सबको काम करना पड़ता है, चाहे छोटा बड़ा काम जो भी हो। तो अभी हम गेहूँ निकाल लिए हैं, जा रहे हैं धोने के लिए। तो देखिए
बाल्टी में गेहूँ निकाले हैं और बाहर वाला बाथरूम में इसको वॉश करेंगे। तो ये है मेरा बाहर आउटसाइड बाथरूम, ये सिर्फ बाथरूम है नहाने वगैरह के लिए, पैर धोने के लिए। तो 20 मिनट लग सकते गेहूँ धोएंगे। तो फाइनली हम गेहूँ को अभी फूलने दे दिए हैं, धोने के लिए गए थे, लेकिन हम सुने हैं बचपन में मम्मी लोग से सुने हैं कि गेहूँ को अगर थोड़ा सा फूलने दे दो तो रोटी सॉफ्ट बनती है, इसीलिए हम गेहूँ को फूलने दे दिए हैं 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक वो फूलेगा तब तक हम ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि भूख भी हमको जम के लगी है। रात में हम एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, आज खाते भी हैं तो कुछ हल्का फुल्का सवेरे खा लिए, 8-9 बजे के बाद नहीं खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ब्रश करके कुछ खा लेते हैं, तब तक गेहूँ हमारा फूल रहा है। तो 10 मिनट हो गए हैं पूरे, तो अभी हम जा रहे हैं बाथरूम धोने के लिए। तो फाइनली हम छत पर आ गए हैं गेहूँ लेकर के, पर आधा गेहूँ लेकर आए हैं बाल्टी में, आधा गेहूँ धूप में ही छाँक कर दे दिए हैं। हाँ ये देखिए सर, ये चिक क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, सर्दी खांसी है ना? नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं करो। तो फ्रेंड हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है और तभी बहुत क्या है, मुझे बहुत परेशान करता है। इस छत पर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। सर एक पापा का आने का वेट किया पर उनको आने में लेट है, शायद ट्रेन लेट है, तो अभी जा रहे हैं। देखिए बेडशीट भी ला ली गेहूँ सूखने डालने के लिए, तो हमको भी कभी कभी देहाती वाला काम करना पड़ता है पेट के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए। तो देखो बेड, हाँ वो आंटी का बेड है। तभी हम जा रहे हैं कपड़ा सूखने देने के लिए, अरे कपड़ा सॉरी सॉरी गेहूँ सूखने, कपड़ा इतना सारा देखे ना टंगी पे तो दिमाग से उतर गया। तभी अब गेहूँ सूखने डालने के लिए दे रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बाय।